नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक और भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। और बहुत ही अच्छी ये गुड न्यूज़ आपके लिए है कि कृषि, उद्यान और पशुपालन विभागों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर पदों की हम बात करते हैं तो 645 इसमें पद हैं। तो यानी बहुत अच्छी ये पदों की संख्या इसमें है। अगर इसमें विज्ञापन प्रकाशन की बात करें, यानी आज की डेट से इसमें ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट है। पदों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट है और इसमें पदों की जो संख्या है वो 354 है। इसमें आप देख सकते हैं कि 354 आपके पद हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्योंकि कौन कौन से लोग इसको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी शैक्षिक योग्यता की हम बात करें, तो इसके लिए केवल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन क्या हो, कृषि से ग्रेजुएशन हो, यानी जिनके पास कृषि में ग्रेजुएशन की डिग्री हो। और अगर एज की हम बात करें तो एज है आपकी अधिकतम है, सॉरी न्यूनतम आपकी एज है 21 साल और अधिकतम जो है वो 43 वर्ष है, यानी 43 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपका है, अगला देखते हैं, अगली जो पोस्ट है आपके पास, यानी जो पद हैं वो हैं उद्यान विभाग में। तो ये उद्यान विभाग में हैं आपके, ठीक है। और इसमें अगर पदों की बात करें तो 245 पद हैं। अगर इसमें शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो देखते हैं इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली है। इसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका बीएससी में जीव विज्ञान है या फिर बीएससी जिनका कृषि से है या फिर बीएससी उद्यान से जिनका है। एज की बात करें तो एज वही है 21 से 43 वर्ष तक, इसमें भी आपका एज है सेम है। अगला आपके जो पद हैं देखते हैं अगला किस विभाग में है। इसके बाद हैं आपके उद्यान निरीक्षक के विभाग में हैं और इसमें पदों की संख्या जो है वो 27 है। इसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के लिए देखते हैं कि एजुकेशन यानी कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो देखते हैं। इसके लिए भी जो है बीएससी आपका जो होना चाहिए ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और इसके अलावा आपका बीएससी जिनके पास है कृषि में तो वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए भी। इसमें भी एज क्राइटेरिया वही है 21 से 43। अगला है आपका सहायक मशरूम विकास अधिकारी का है और ये वर्ग टू की वैकेंसी है। इसमें जो पदों की संख्या है वो 3 है, देख सकते हैं आप। एजुकेशन और जो एज क्राइटेरिया है इसमें भी वही है कि ग्रेजुएशन में आपका बीएससी में जीव विज्ञान बीएससी कृषि से होना चाहिए या फिर आपका एज 21 साल से 43 साल होना चाहिए। इसके बाद हैं सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की हैं और इसमें पदों की संख्या 3 है। अगर इसमें हम इसमें अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी शैक्षिक योग्यता समान ही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी या बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि से, और समान ही इसकी एज क्राइटेरिया भी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सहायक प्रशिक्षण, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अगला जो आपकी भर्ती है यानी जो पोस्ट हैं जो पद हैं वो हैं सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के हैं और इसमें पदों की संख्या जो है वो 3 है। इसमें अगर
शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें वो समान ही है सभी पदों के लिए, बीएससी कृषि या फिर बीएससी जीव विज्ञान समूह। इसके बाद हैं कि सहायक पौध सुरक्षा, इसमें हैं और इसमें जो पदों की संख्या है वो दो है और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो समान ही है कि संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, बीएससी जीव विज्ञान से या फिर बीएससी कृषि से होना चाहिए। अगला है चारा सहायक में है और इनमें पदों की जो संख्या है वो तीन है। इसमें जो अगर शैक्षिक योग्यता की हम बात करें, ये एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है एमएससी होना चाहिए कृषि से या फिर फॉर्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि होना चाहिए। तो इसका थोड़ा डिफरेंट है एलिजिबल क्राइटेरिया और के मुकाबले। और इसमें अगर एज की हम बात करें, एज समान ही है 21 से 43 वर्ष। अगला आपका जो है वैकेंसी है वो सहायक चारा सहायक के लिए है और इसमें पदों की जो संख्या है वो 5 है और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपकी ये होना चाहिए, केवल बीएससी कृषि जिनके पास है यानी बीएससी जिन्होंने कृषि में करा हुआ है वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो इसमें दो पेपर होंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और ये 100 नंबर का होगा और इसका जो टाइम होगा 2 घंटे का होगा। अगला जो पेपर होगा ये आपका सेकंड पेपर होगा और इसमें जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव होगा और इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और टाइम पीरियड जो होगा 3 घंटे का होगा। अब अगर हम बात करें कि जो पहला आपका पेपर है उसमें क्या क्या आएगा, तो जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, तो इसमें होगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से होगा, भारत का भूगोल और जनांकी होंगी, समसामयिक की घटनाएं होंगी, उत्तराखंड का इतिहास होगा और इसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकी, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के भी इसमें प्रश्न आएंगे। और जो सामान्य हिंदी का है वो 20 नंबर का होगा यानी बाकी और आपका 80 नंबर का होगा। और इस प्रकार से आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस होगा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद अगर वैकल्पिक विषय की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में आपका क्या क्या आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि क्या क्या आपका किस यूनिट में क्या 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 चीज आएगी। और जिनका बायोलॉजी है, बॉटनी का है, वो इस तरीके से आएगा। इकोलॉजी आएगा आपका,
इस तरीके से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।